तो आज है हमारे पास A1466 और ये ऑन नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि 26 मिली एम्प्स कंज्यूम कर रहा है, ये विड्रॉ उतना ही कर रहा है। और कस्टमर का भी प्रॉब्लम यही है कि वो ऑन नहीं होता है। तो ऐसे केसों में क्या है, या तो ये 5 मिनट में सॉल्व होगा या तो फिर हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर जाए। तो ऐसे केसों में क्या होता है कि एटलीस्ट बेसिक पावर प्लान चाहिए जो अवेलेबल होने चाहिए। और यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पर तो कम से कम रीसेट्स होने चाहिए, कुछ SMC के रीसेट्स होने चाहिए, प्लस G3 के सप्लाई होने चाहिए। G3 आउट के देख लेते हैं एक बार के लिए, तो डायग्नोस कर ही लेते हैं। G3.42 है और दूसरा यहाँ पे 3.3 अवेलेबल होने चाहिए जो कि नहीं है, कम आ रहा है। तो और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 वोल्ट तो चलो ऑन नहीं होगा जब तक, तो आएगा ही नहीं। 8.59 तो अवेलेबल है, बाकी ये हो क्या रहा है तो देखते हैं कि और इसमें आगे क्या डायग्नोस कर सकते हैं। कि ऐसे किस जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि या तो 5 मिनट रेडी होंगे या तो फिर बहुत टाइम लगा देते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल होंगे या तो फिर शॉर्टिंग। तो 1 सेकेंड देखते हैं, इसमें डायग्नोस करते हैं एक बार के लिए कि इसमें क्या है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कौन सा अवेलेबल है। तो एक एक तो वोल्टेज अवेलेबल है, दूसरा है जो 1 सेकंड में DMM सेट करता हूँ पहले। तो ये तो था ही हमारे पास 3.42, 8.59 है या दूसरा साइड नहीं, यानी कि फ्यूज़ ख़राब होगा। और फ्यूज़ ख़राब है तो पॉसिबल प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर शॉर्टिंग हो, यानी कि अब ये शॉर्टिंग भी कैसा है, अगर सही से मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो टेंशन हो जाएगा, यानी कि और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एक शॉर्टिंग मिल रहा है यहाँ पर, एक साइड तो ठीक है, दूसरा साइड शॉर्टिंग यानी कि आउटपुट पे शॉर्टिंग है, जहाँ पे बस एक्चुअली PPG3 क्या कहते हैं उसे, हमारा PP बस G3H ये जो है ये शॉर्ट है। ठीक है, तो अब इस केस में हमें ये जानना होता है कि एक्चुअली में ये जो शॉर्टिंग क्रिएट हुआ है ये मतलब कैसे क्रिएट हुआ है, मॉस्फेट शॉर्ट है या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या फिर कोई कैपेसिटेंस का इशू है, कैपेसिटर ही ख़राब हो गया है या फिर कोई ऐसा पार्ट है जो कि लो इम्पीडेंस हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस ऐसे केसों में कि अगर आप सप्लाई वहाँ पे चालू करते हो तो दूसरे कोई सेक्शन में ना चला जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो मुझे पहले तो देखने होंगे कि ये कॉयलों में कोई मतलब लीकेज तो नहीं है इससे। तो 0 ohms जहाँ पे है, एक बार के लिए मैं यहाँ से चालू करता हूँ और ये ग्राउंड मिल रहा है तो ये तो ठीक है। मेरे को सारे PWM के सेक्शंस देखने होंगे, यानी कि स्टेप डाउन सेक्शन देखने होंगे, तभी मैं इस पर आगे बढ़ पाऊँगा। क्योंकि ये दिक्कत क्या है, यहाँ पे इंजेक्ट DC इंजेक्ट करने पे क्या होता है, सप्लाई फिर से वो क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो इसलिए पहले तो कन्फर्म हो जाओ कि शॉर्टिंग किस तरह से है एंड देन उसको फिक्स करना है। तो फिलहाल तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो एक बार फिजिकल इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि फिजिकल इंस्पेक्शन में भी ये सारी चीज़ें एक बार दिख जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेयर केस ही रहते हैं जहाँ पे हमको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, DC इंजेक्ट करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह करने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि हम इसको एक बार बिना DC इंजेक्ट करे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। चलो फिजिकल इंस्पेक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि इंस्पेक्शन हो जाएगा तो फिर आगे देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तब तो DC देखेंगे इंजेक्ट कैसे करना है, और ऐसे ही धड़ाक से इंजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है DC को, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ जाता है कभी कभी कोर सेक्शन से, यानी कि कोई मान लो कोई कोर सेक्शन का मॉस्फेट अपर मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है, चार्जिंग सेक्शन उसको बचा रहा है, लेकिन हम जानबूझ के दे देते हैं सप्लाई, जिस कारण से क्या होता है और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एकदम ये क्लीन बोर्ड है। और दूसरा चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो फ्रेश बोर्ड जब आता है तो कितना इजी वे में रिपेयर होता है,
और जहाँ छेड़ के आ गया वो तो गया। इस साइड देख लेते हैं एक बार, देखा तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। ये कैपेसिटर तो फटा नहीं है, एक सेकंड। नीचे साइड में कुछ तो लिक्विड मटेरियल दिख रहा है। यही तो है जो क्रैक है, इसमें क्रैक है। चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि इस पे क्रैक है, और क्रैक है तो ये खराब होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसको निकालते हैं शॉर्टिंग हट जाता है तो हो गया काम, और ना तो फिर आगे और भी देखने होंगे। किचन गर्म ही नहीं हो रहा है, सस्ते वाले स्टेशन का यही हाल है, कुछ भी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं और लेकिन वो काम नहीं करता है। ये देखो ये है क्विक का स्टेशन, जो कि बहुत ही आराम से हीट होता है और आपका कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर भी इम्पेक्ट नहीं डालता है, इस पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, जैसे कि रूम टेम्परेचर हो गया वगैरह वगैरह। ये गया, चलो अब मेजर कर लेंगे ये अब कंडीशन क्या है। वाह हट गया, तो हाँ अच्छा हट गया, हट गया ये शॉर्टिंग, शॉर्टिंग गया। यानी कि हमें क्या करने होंगे, एक एक कैपेसिटर ऐड करने होंगे और ये फ्यूज ऐड करने होंगे। तो अब कैपेसिटर हटा दिया तो लगाना भी होता है, ऐसा ना कि उसको छोड़ दें, क्योंकि उसको छोड़ देते हैं अगर हम तो जिन्हें नहीं पता तो छोड़ ही देते हैं, बट ज़रूरी होता है क्योंकि डिकपलिंग के लिए यूज़ करा गया है। तो अगर आप छोड़ दोगे तो प्रॉपरली डिकपल नहीं हो पाएगा वहाँ का सप्लाई। अब हालांकि ये तो डीसी लाइन है, लेकिन जो कंपनी वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ कुछ तो नॉइसेस आते हैं, रिपल्स क्रिएट करते हैं वहाँ पे दूसरे सेक्शंस। थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पर क्योंकि मुझे पार्ट लाने होंगे, तो मैं लेके आता हूँ, ज़रा सा रुकता हूँ यहाँ पर। ये रहा पार्ट, यहाँ से लेंगे डोनर बोर्ड से और लगाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको जोर जबरदस्ती नहीं करना है वरना ही हो जाएगा डैमेज। बिग कैपेसिटर चाहिए, कहीं से भी ले सकते हैं। ये मिल गया, वो लगा लेता हूँ प्रॉपरली मैं। फ्यूज भी ऐड करेंगे, ये बस प्लग्स दे देता हूँ ताकि यहाँ पर इजीली लग जाए।
कभी कभी सोल्डरिंग आयरन का भी यूज़ कर लिया करना चाहिए क्या, असेंबली कंपोनेंट के लिए। सब टाइम हॉट एयर गन का यूज भी कभी कभी ठीक नहीं होता है हर एक जगह पर, जो पॉसिबल है स्टेशन सोल्डरिंग स्टेशन से काम कर लेना उस, क्योंकि मुझे बस का टाइम लगाना, क्योंकि ये स्टेशन से जल्दी खुलता नहीं है। साथ ही साथ आसपास के कंपोनेंट भी गर्म होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं इसका, कम रखा था मैंने क्योंकि यहाँ पे होगा ये तो बोर्ड का थिकनेस ज़्यादा रहता है जिसके कारण से ये जल्दी हीट अप नहीं होता। देखो कैसे हीट हो गया, ये हो गया, फिर क्लीन करेंगे हम तो। बस इसको लिक्विड मटेरियल उठा लेते हैं यहाँ पर हार्डवेयर यूज करके, ये देख लेते हैं इसका इम्पीडेंस यहाँ का, यानी कि इस बात का रजिस्टर क्या है यहाँ पे, रिसेंस मिल गया तो ठीक है, फ्यूज कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑन तो हो गया, यानी कि प्रॉब्लम वही था। दूसरा चीज़ अगर देख लें तो थोड़ा सा वोल्टेज वगैरह मेजर कर लेते हैं कि सही आउट कर रहा है या नहीं। 8.58 ठीक है, 1.2, 3.3, 5.11, 1.80 सही है। तो डिस्प्ले तो आ ही रखा होगा इसमें, अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं लगाऊं तो मालूम पड़ जाएगा ये ग्लो कर रहा है, तो आ रहा होगा। स्क्रीन भी लगा लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि अगर स्क्रीन लगा लेंगे तो पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है हमें कि ये चालू हो रहा है, यानी कि काम हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, वरना कहीं डिस्प्ले पे भी इशू हो गया या फिर और भी कोई प्रॉब्लम रहे तो फिर और भी रफड़ा है। उससे अच्छा एक रेफरेंस के लिए सही है कि हाँ पेन ड्राइव पे एक लाइट ग्लो कर रहा है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस पे जो स्टेटस का एलईडी है अगर आ गया यूएसबी पे तो हम समझते हैं कि हाँ चलो ठीक है कुछ तो एक्टिविटी हुआ है, बट वो सही नहीं है, एकदम सही नहीं होता वो। वेट करते हैं फोल्डर ऑप्शन का, कहाँ गया, अभी तक नहीं आया, लेट होता है विदाउट SSD का, SSD नहीं होने से थोड़ा सा लेट होता है। ये आ गया हमारे पास फोल्डर ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ से हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा केस, जो कि अगर शॉर्टिंग भी मिलता है तो शॉर्टिंग भी थोड़ा सा ट्रिकी आइडिया, यानी ट्रिकी यानी मतलब आप एक रिलेट करोगे अगर कि शॉर्टिंग किस तरह से अपने को, शॉर्टिंग में कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बताया कि यहाँ पे कोई दूसरे सेक्शन से भी अटैच हो जाते हैं, यानी कि शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आपका जो मेन सोर्स सप्लाई है, तो उस केस में अगर अगर फ्यूज बन हुआ है या फिर गया है तो कोई कारण रह रहा होगा, तो वो चीज़ अगर बिना फाइंड करे फ्यूज ऐड कर दिया, फिर डीसी मशीन या फिर डीसी मशीन से उसको इंजेक्ट कर दिया, थोड़ा सा इशू होता है। अब नहीं एकदम एकदम ना मिलने पर जाके हम डीसी मशीन यूज़ करें तो बेहतर है, अगर फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं तो देन वो बहुत ही अच्छा है। तो एक छोटा सा केस, मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक ले सभी को नमस्कार।